मंजीमा मोहन साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक काफी खूबसूरत टैलेंटेड एक्ट्रेस है और जिन्होंने तमिल मलयालम और तेलुगु फिल्मों में भी कई सारे सक्सेसफुल फिल्में दे चुके हैं। तो दोस्तों आज मैं मंजीमा मोहन की बॉक्स ऑफिस कार्शनाइसिस के बारे में बताने वाली हूँ और अगर आप हो मंजीमा की फैन तो वीडियो शुरू से तक जरूर देखना और एक लाइक भी देना। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। नंबर वन, ओरुवादा कल सेल्फी। ये 2015 का मलयालम रोड कॉमेडी फिल्म है और इसमें निविन पावली मंजीमा लीड रोल में है। इसमें एक यंग लड़का उमेश का फिल्म मेकर बनने के स्ट्रगल को दिखाई है और ये फिल्म 2015 का वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रॉसर फिल्म साबित हुई और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.7 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 4 करोड़। बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन था 38 करोड़ और फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। नंबर टू, साहसम स्वसागर सगीपो। ये 2016 का तेलुगु रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें नागा चैतन्य मंजीमा लीड रोल में है। इसमें रजनीकांत और लीला के बीच में प्यार को दिखाई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 7 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 25 करोड़। बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन था 32 करोड़ और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर थ्री, अच्छा मियन बधु मदा मैयादा। ये 2016 का तमिल रोमांटिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें सिलंबरसन मंजीमा मोहन लीड रोल में है। इसमें कियांग कपल रजनीकांत और लीला ने एक रोड ट्रिप पे जाते हैं और बाद में एक एक्सीडेंट की वजह से कैसे इन दोनों का लाइफ में एक टर्न आता है वह इसमें दिखाई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 6.5 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर फोर, सत्रियन। ये 2017 का तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें विक्रम प्रभु रियो राज और मंजीमा लीड रोल में है। इसमें गुना और एक माफिया लीडर की बेटी निजाना के बीच में प्यार को दिखाई है और इसका IMDb रेटिंग मिला है 4.8 आउट ऑफ 10 और ये फिल्म एवरेज निकला। नंबर फाइव, इप्पा दाई वेल्लुम। ये 2017 का तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें उदयनिधि स्टालिन और मंजीमा लीड रोल में है। इसमें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को टेररिस्ट कह के फंसा जाते हैं पर बाद में वो इस गलत फहमी को प्रूव करने के लिए कैसे स्ट्रगल करते हुए इसमें दिखाई है और इसका हिंदी डब्ड है रिवॉल्वर राजा 2 नाम से और इसका IMDb रेटिंग मिला 5.8 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 8 करोड़। बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन था 20 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई। नंबर सिक्स, एनटीआर कथानायकुदु। ये 2019 का तेलुगु बायोग्राफिकल फिल्म है। इसमें नंदमूरी बालकृष्ण कल्याण राम विद्या बालन मंजीमा लीड रोल में है और ये फिल्म फ्लॉप निकला। नंबर सेवन, मिखाइल। ये 2019 का मलयालम एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें निविन पावली मंजीमा लीड रोल में है। इसमें एक बिजनेसमैन अपने भाई का मर्डर का रिवेंज लेने के लिए एक लड़की को सुसाइड करने को मजबूर करते हैं पर बाद में डॉक्टर मिखाइल ने कैसे इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वह इसमें दिखाई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 5 आउट ऑफ 10 और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित थी। नंबर 8, एनटीआर महानायकुदु। ये 2019 का बायोग्राफिकल फिल्म है और इसमें नंदमूरी बालकृष्ण कल्याण राम विद्या बालन मोहन लीड रोल में है और ये फिल्म डिजास्टर निकला। नंबर 9, देवरत्तम। ये 2019 का तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है और इसमें गौतम कार्तिक मंजीमा लीड रोल में है। इसमें एक भाई और बहन के बीच में रिलेशनशिप को दिखाई है और इसका IMDb रेटिंग मिला 4.2 आउट ऑफ 10 और इसका बजट था 4 करोड़। बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन था 8 करोड़ और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। नंबर 10, जम जम। ये मलयालम कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और ये 2014 हिंदी ब्लॉकबस्टर फिल्म क्वीन का मलयालम रीमेक है और ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ है। नंबर 11, कालाथिल संथीपोम। ये अपकमिंग तमिल एक्शन फिल्म है और इसमें जीवा अरुण नीत प्रिया भवानी और मंजीमा लीड रोल में है और इस फिल्म पर एक्शन के साथ ही साथ फ्रेंडशिप को भी हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। नंबर 12, वट्टम। ये अपकमिंग तमिल ड्रामा फिल्म है और इसमें आंड्रिया जेरेमिया मंजीमा और अथुलिया लीड रोल में होगा और इसमें काफी एक्शन सीन दिखाया जाएगा। नंबर 12, FIR, फैजल इब्राहिम राइस। ये अपकमिंग तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसमें गौतम मेनन विष्णु विशाल रेबा और मंजीमा लीड रोल में होगा और इसमें काफी थ्रिलिंग ट्विस्ट दिखाया जाएगा। नंबर 13, तुगलक दरबार। ये अपकमिंग तमिल एक्शन फिल्म है और इसमें विजय सेतुपति अदिति राव हैदरी मंजीमा मोहन लीड रोल में होगा और इसमें विजय सेतुपति का एक गैंगस्टर के रोल में नजर आएंगे और ये फिल्म काफी एक्शन से भरपूर होगा।
तो दोस्तों इन सभी अपकमिंग फिल्मों से कौन सी फिल्म के लिए आपको इंतजार रहेगा कमेंट करके बताना। तो दोस्तों ये रहा मांझी व मोहन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इन सब फिल्मों से कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और ऐसे की बॉलीवुड साउथ इंडियन न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।